नमस्कार दोस्तों, भारत देश के लिए आई आज तक की सबसे बुरी खबर। सरकार को लगा बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, न्यूज पूरा देखने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कर दे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। आइए जानते हैं पूरी खबर। आपको बता दे कि भारत देश की अर्थव्यवस्था आज तक के सबसे निचले दौर से गुजर रही है। इसी कारण के लिए भारत देश में एक बहुत ही बुरी खबर आ गई है। दोस्तों, भारत देश की मोदी सरकार एक तरफ तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाह रही है, वही भारत की अर्थव्यवस्था की सुधरने का नाम तक नहीं ले रही। भारत देश में आज के समय में भारत देश की अर्थव्यवस्था आज तक के सबसे निचले पायदान पर खिसक गई है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी साल 2020 के लिए भारत देश की आर्थिक विकास दर को घटाकर 4.8 कर दिया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मानना है कि साल 2020 में भारत देश की आर्थिक विकास दर 4.8% रह सकती है, वही यह 2021 में बढ़कर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF का कहना है कि भारत देश की यह हालत इस कारण पन में है क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आय की कमी हुई है, इसकी वजह से भारत में वृद्धि दर कम हुई है। बाकी तो आप इसके बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।